हेलो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो विस्की कैसे बनती है व बियर कैसे बनती है उस वीडियो को बहुत पसंद किया। लेकिन मैंने यह कहा था अपने वीडियो में कि विस्की हर देश की अलग अलग होती है, जैसे कैनेडियन विस्की और इंडियन विस्की। लेकिन उस वीडियो में हमने जर्मनी की विस्की के बारे में बताया था, लेकिन आपने हजारों से भी ज्यादा कमेंट किए कि हम जानना चाहते हैं कि इंडियन विस्की कैसे बनती है और बियर मेकिंग की रियल प्रोसेस क्या है, आखिरकार कैसे बनती है बियर। तो गाइस, आप सभी की भारी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं कि विस्की को कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार बनी है और आप सभी की डिमांड पर बनी है, तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम कोई सी भी न्यू वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी बात कहनी थी कि आपने हमारे 28 दिन के अंदर 1,20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए हैं। तो गाइस, आने वाली 20 मई तक प्लीज गाइस आप हमारे 293 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, तो हम आप सभी के लिए और उन सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसी चीज करेंगे जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे व हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे। तो गाइस, सरप्राइज बहुत ही तगड़ा होने वाला है जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं किया है। कीजिए भाई, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, पता नहीं भाई किसकी किस्मत खुल जाए। नंबर 1, रॉयल स्टैग इंडियन विस्की। दोस्तों, इंडियन ब्रांड रॉयल स्टैग को 1995 में लॉन्च किया गया था। वैसे इंडिया में इसे पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बेसिकली इसको बनाने के लिए मॉल्ट, व्हीट, कॉर्न, जौ और बहुत से इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है फ्लेवर के हिसाब से। आपको जिस भी कलर का फ्लेवर चाहिए उसी हिसाब से इन इंग्रेडिएंट्स को यानी इन ग्रेन्स को डाला जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट्स को हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है और इंडियन विस्की बनाने का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर इन मॉल्ट, कॉर्न, व्हीट और धान को एक लिमिटेड पानी में रख दिया जाता है, जहां 12 घंटे के अंदर ये अनाज सारे पानी को सोख लेता है, जिसके बाद इन्हें 6 दिन तक सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इनको अलग अलग धुएं में रखा जाता है, वो भी भट्टी के अंदर, जिससे यह अनाज कड़क हो जाता है और अगली प्रोसेस में इसे पीस लिया जाता है। पीसने के बाद इस अनाज को फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन्हें एक बड़े कंटेनर में गुड़ तथा शुगर के पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है। 12 घंटे बाद स्प्रिट बनने की यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके बाद इनको कोन नुमा स्टील कंटेनर में डाला जाता है, जहां इनकी स्प्रिट पूरी तरह से दूसरी ओर से निकाल ली जाती है। अब यहां इंडियन विस्की ब्रांड में इतना फर्क होता है कि अगर किसी विस्की ब्रांड के पीछे स्कॉच लगा होता है तो उस विस्की को 3 साल मिनिमम बियर हाउस में रखा जाता है, और अगर उसके पीछे स्कॉच नहीं लगा है तो उस विस्की को डायरेक्टली बोतल में भर के पैक कर दिया जाता है। लेकिन वही रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है जिसको 3 साल तक वेयर हाउस में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और 3 साल बाद इस विस्की की पैकेजिंग की जाती है बोतलों के अंदर, जो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले इन बोतलों को भरा जाता है, बाद में इनके ऊपर लेबल लगाया जाता है और पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। किंगफिशर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किंगफिशर को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सबसे पहले वाटर, मॉल्टेड बार्ली, शुगर, राइस यानी धान, मेज, कॉर्न सिरप, एथिल अल्कोहल। इन सभी से बियर को तैयार किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। शुरुआत में अनाज की गुठली को तोड़ने के लिए इन सभी को एक क्रशर में डालकर कुचल दिया जाता है, और जब यह मिश्रण तैयार हो जाता है तो फिर इस मिश्रण को गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में माल्ट के स्टार्च को शर्करा में तोड़ने के लिए इस गर्म पानी में एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है।
जब यह उबल जाता है तो इसे ठंडा किया जाता है, जिससे यह किण्वित होने लगता है। जब किण्वन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस कंटेनर में ईस्ट का प्रयोग शराब का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बियर को चमक देने के लिए प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपकी बियर तैयार हो जाती है, लेकिन इस बियर को कंटेनर में डालकर कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक गोडाउन में रखा जाता है नॉर्मली। और यदि हम इस प्रोसेस को 3 से 40 साल तक ले जाते हैं यानी वेयर हाउस वाली, तो वह विस्की ब्रांड बन जाता है। बस यही फर्क होता है एक विस्की में और एक वियर में कि वियर को कम समय तक वियर हाउस में रखा जाता है। और बहुत सी ऐसी भी वियर होती हैं जिनको तुरंत ही पैकेजिंग करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब 4 से 5 हफ्ते के बाद इन बियर के बॉक्सेस को बाहर निकाला जाता है और पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है और बाद में आप इन विस्की का मजा लेते हो। जैक डेनियल विस्की मेकिंग। दोस्तों यह एक फेमस ब्रांड है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जो कि एक स्कॉच विस्की है। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्कॉच विस्की किसे कहते हैं। इसको बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, कॉर्न, वार्ली, राई, जिनको एक बड़े से ग्राइंडर में डाला जाता है और पीस लिया जाता है। बाद में एक निश्चित मात्रा में पानी तथा ईस्ट को डाला जाता है। और अगली प्रोसेस में इसके मिश्रण को फर्मेंटेशन के लिए 46 दिन के लिए रख दिया जाता है इस बड़े से कंटेनर में डालकर। जब इस कंटेनर को 46 दिन बाद खोला जाता है तो बबल्स बन जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ईस्ट ने पानी और अनाज यानी ग्रेन से रासायनिक अभिक्रिया कर ली है। इस प्रक्रिया के बाद इन लकड़ी को जलाया जाता है और कोयले को तैयार किया जाता है। कोयले बनाने के बाद इनको ठंडा करके एक ट्रॉली में डाला जाता है। और अभी जो 46 दिन बाद मिश्रण तैयार हुआ था उसमें एथिल अल्कोहल तथा निश्चित मात्रा में पानी को मिलाकर उसकी भाप बनाई जाती है और इन कोयलों के ऊपर बूंद बूंद करके डाली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक विस्की को एक अच्छा फ्लेवर मिल जाए। फिर इन विस्की को इन लकड़ी के अंदर से जले हुए ड्रमों में भर दिया जाता है। जिन विस्की के ड्रमों में इन्हें भरा जाता है वह भी एक खास प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। पहले लकड़ी के छोटे व बड़े फट्टों को तैयार किया जाता है, फिर उनको असेंबल किया जाता है। असेंबल होने के बाद उनके अंदर आग लगाई जाती है ताकि विस्की जब इनके अंदर रखी जाए तो उनका फ्लेवर तेज हो जाए। फिर एक ड्रम में 56 गैलन विस्की को भरा जाता है और पैक करके गोडाउन में पहुंचा दिया जाता है। मिनिमम 3 साल और अधिक से अधिक 40 साल तक इस विस्की को रखा जाता है और 30 साल बाद यह विस्की बनकर तैयार हो जाती है, जिसको पैकिंग कर लिया जाता है। सबसे पहले इनको कांच की बोतल में डाला जाता है, फिर इनके ऊपर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है और डिब्बों में पैक करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होती है जैक डेनियल विस्की, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है कि आपको हम सही जानकारी पहुंचा सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम कोई सी भी न्यू वीडियो डालें नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक सबसे पहले। और गाइस आप जल्दी से हमारे 20 मई तक 293 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। और आप सभी के लिए एक बहुत ही तगड़ा सा सरप्राइज रखा है मैंने, अगर ऐसा हो पाता है। उसके लिए बस आपको नीचे कमेंट जरूर करना होगा, तभी आपको चूज किया जाएगा। तो गाइस मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आप जरूर से कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।